Good job, Bob. फ्रेंड्स, आलू स्मैश करने के बाद उस स्ट्रेनर के बाद उसमें मैंने आलू स्मैश इसलिए किया था कि उसमें बिल्कुल लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे। फिर उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे हमें अच्छे से नेड करके लेना है। पानी और कॉर्नफ्लावर एक साथ पूरा नहीं डाल देना, बिकॉज वो एकदम अगर एकदम ढीला हो जाएगा तो उसका बनने का कुछ मतलब नहीं है। तो हमें नॉर्मल आटे के डो के जैसा बनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से सॉफ्ट डो बना के ले लिया मैंने। फिर उसे अच्छे से स्मॉल स्मॉल पोर्शन में पहले गोल करके लिया, और मेरे पास एक कांच का बॉटल था और नॉर्मली स्टिंग वगैरह का रहता है वो ले लेना है, क्योंकि हमें मशरूम शेप बनाना है। इजिली अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे भी शेप यूज़ कर सकते हो। फिर वो तेल में डिप मैंने इसलिए किया क्योंकि वो इजिली मशरूम के शेप में निकल के रिमूव हो जाए। फिर मैंने पानी गर्म करना ऑलरेडी रख दिया था क्योंकि एकदम हमें हॉट वाटर चाहिए। बॉइलिंग वाटर में हमें ये मशरूम शेप जो बनाया था मैंने कोरियन चिली, वो मैंने उसके अंदर डिप कर दिया। और फ्रेंड्स, इसके लिए अब हमें बहुत पेशेंट और बहुत कामली काम करना है क्योंकि बहुत डेलिकेटेड और बहुत सॉफ्ट रहता है। ट्रस्ट में, अगर आप पेशेंट नहीं दिखाओगे तो इसमें कुछ बनाने का मतलब नहीं, आपको पूरा मेहनत इतना ख़राब हो जाएगा। ये डालने के बाद इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट हम इसे बॉईल करके ले लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसमें बाहर मैंने एक बड़े से बाउल में चिल्ड वाटर रखा था, उसमें आइस डाला था और डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दिया। और कॉर्नफ्लावर और वाटर की आप प्रपोर्शन एकदम संभाल के डालें तो पूरा मशरूम शेप बिगड़ के मान लीजिए कौन सा शेप हो जाएगा। फिर एक पैन में मैंने पूरा उसको चिल्ड वाटर से तुरंत निकाला, उसमें फाइनली चॉप्ड करके गार्लिक डाला, चिली फ्लेक्स डाला, ये इसका मेन सीजनिंग है, आपको डायरेक्ट कुक नहीं करना है। ये डाल के हमें जैसे हम कोरियन चिली मैगी का ट्रेंड चल रहा था सेम लाइक दैट ये है। फिर उसके ऊपर मैंने हल्का सा सोयाबीन डाला और मैंने हॉट ऑयल एकदम बॉयल करने के लिए रख दिया था। संभाल के करना क्योंकि तेल बहुत जल्दी ऊपर स्प्लैश होता है। फिर मैंने तेल गर्म किया और इसमें डाल दिया, इतना अच्छा इसका स्मेल आ रहा था सोया सॉस चिली फ्लेक्स सबका, गार्लिक का। अच्छी तो गार्लिक वगैरह कुकर के डाल सकते, बट मेन कोरियन डिश है। और ये बन गया मेरा टेस्टी सा कोरियन चिली मशरूम जो कि बहुत टेस्टी था। फिर मैंने उसे अच्छे से सॉफ्टली एकदम गुगली स्लाइम रहता ना वैसा हो गया था, मुँह में जाते ही एकदम स्लिप हो जा रहा था, बाकी टेस्टी बहुत था। और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।